नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज इस शो में हम बात करेंगे मेंटल इलनेस की, जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में हमारी आबादी के 7.5% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि लोगों में आज भी इस इशू को लेकर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस दोनों ही ना के बराबर हैं। और इसी बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलविंदर कुमार जी, जिन्होंने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए एक ऑनलाइन इनिशिएटिव शुरू किया है, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन थरो रिसर्च इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हालांकि ये समस्या ग्लोबल है, लेकिन इसके मैनिफेस्टेशंस काफ़ी लोकलाइज हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुनीत जैन जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो विनायक हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इन लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे, इस परेशानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं छोटी सी ये रिपोर्ट। अक्सर आपको लगता होगा कि आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, लेकिन आपको ये भी लगता होगा कि ये सब वक्त और हालात की वजह से है और कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं पर हम गलती कर देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में 5 लोगों में से एक शख्स किसी न किसी इमोशनल और बिहेवियरल परेशानी से जूझ रहा है, यानी आप किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी के शिकार हैं। आंकड़ों के मुताबिक तो भारत में 6 से 7 करोड़ आम या गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इसी मानसिक तनाव के चलते भारत दुनिया की सुसाइड कैपिटल माना जाता है। भारत में हर साल करीब 2,60,000 लोग खुदकुशी करते हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 1,00,000 लोगों में से करीब 11 लोग खुदकुशी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। ये एक बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं कि आज आपके साथ मिलकर इसे हम डिकोड कर सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम, कितनी बड़ी समस्या है और इतनी ज़ोरों से बढ़ रही है? समस्या काफ़ी गंभीर है और कुछ समय से ये प्रॉब्लम बहुत पैंडमिक की तरह बढ़ रही है और ये अगर अभी रोका ना जाए तो ये बहुत गंभीर रूप ले सकती है। सर, व्हाई स्टूडेंट्स आर द वर्स्ट लॉट? स्टूडेंट्स के साथ क्या है, स्टूडेंट्स का अपना परसेप्शन है, स्टूडेंट्स के अपने ड्रीम्स हैं जो वो करना चाहते हैं, जो परस्यू करना चाहते हैं। बट स्टूडेंट्स के साथ क्या है, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंटल प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स के साथ तो ये कह सकते हैं पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर, ये सब एक बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है। प्लस स्टूडेंट्स को समझाया नहीं जाता है, स्टूडेंट्स को सिर्फ थोपा जाता है कि आपने हम लोगों ने ड्रीम्स नहीं फुलफ़िल किए हैं, वो आपने फुलफ़िल करने हैं। एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं कि 100% लेकर के आए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हर एक बच्चे से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 100% लेकर के आए और उसके बावजूद भी उसको वो चीज़ ना मिले, starts creating depression in the child. So, भारत एक युवा देश है, with so much onslaught of unregulated digital interventions in day-to-day life. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी, because आजकल क्या है, पहले joint family होती थी, now it is a nuclear family and single parenting अब धीरे-धीरे concept आ रहा है। उसकी वजह से क्या है, parents के लिए बच्चों के लिए time नहीं है, बच्चों के पास क्योंकि पढ़ाई का pressure इतना ज़्यादा है कि उनकी जो होलिस्टिक अप्रोच है वो बढ़ नहीं पा रही है। पहले क्या होता था, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी और एजुकेशन भी होती थी, साथ में पढ़ाई भी होती थी। बट आजकल क्या है, स्टूडेंट्स स्कूल से आते हैं, उनकी ट्यूशंस लगी हुई हैं, दे आर रनिंग आफ्टर फ्रॉम वन ट्यूशन टू द अदर ट्यूशन, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ सारी बंद हो रही हैं धीरे धीरे, और क्योंकि उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ गेम्स खेलने हैं तो दे आर ऑल मूविंग टूवर्ड्स योर मोबाइल एप्लीकेशंस और मोबाइल गेम्स। और मोबाइल पे आजकल क्योंकि यूट्यूब वगैरह इतनी कॉमन चीज़ें हो गई हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी है जिसको स्टूडेंट्स को नहीं देखना चाहिए, वो स्टूडेंट वो भी देख रहा है और उसकी वजह से स्टूडेंट
के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेस वो भी डिफरेंट हो गए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सी। सर आपसे इस बारे में पूछना चाहेंगे, आपने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आपने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म की क्या विशेषता है एंड हाउ डज इट फंक्शन। देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गई है, खासकर ये जो कोरोना वायरस का जो ये 2 साल से ऊपर का जो पीरियड रहा उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेट हो गई क्योंकि लोगों को जो है कन्फाइन किया गया घरों के अंदर, तो 2 साल लोग बाहर निकल नहीं पाए, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं थी और इसलिए ये जो मेंटल जो हेल्थ कंडीशंस थी और ज़्यादा जो है ड्यूटेरेट हो गई। दूसरा जो है मेन कारण जो बताया डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये जो ये आई जनरेशन है इंटरनेट जनरेशन जो 1995 के बाद जो है पैदा हुई इसको जनरेशन जेड भी बोलते हैं, इनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, ये बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव हैं, पर्सनलाइज्ड हैं, फ्रीडम ओरिएंटेड हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीडम चाहिए, एंक्सियस हैं और एम्बिशियस हैं। और दूसरा जो जैसे बताया कि पेरेंट्स का प्रेशर है क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर सक्सेस ही सभी कुछ है, हैप्पीनेस जो है वो हम बाद की बात करते हैं, पहले हम ये अपने आप को भी और बच्चों के ऊपर भी ये चीज़ थोपते हैं कि नहीं हमें जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो सक्सीड करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उस वजह से जो है जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, छोटे बच्चे ये जनरेशन जेड और आई जनरेशन का जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। 40% लोग मिनिमम ऐसे हैं जो कि अपनी मेंटल जो प्रॉब्लम है वो किसी से डिस्कस नहीं करते, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात करते एक क्योंकि जनरेशन गैप है। और अब जो लोग कहते हैं कि हर 5 साल में एक नई जनरेशन आ रही है, अब देखा जाए तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम शुरू हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर ही, अब ये चैट जीपीटी वगैरह जो आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ये बिल्कुल ज़िंदगी को जो है वो बदल देंगे। तो अब कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि अभी तक जो है एक ट्रेडिशनल ये कंसेप्ट है कि यदि हमको कोई मेंटल इलनेस है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे और दवाई लेंगे, दवाई से जो है वो केवल काम नहीं चलता, हमको जो है होलिस्टिक अप्रोच जो है वो चाहिए, माइंड बॉडी सोल क्योंकि एक ही एंटिटी है, इसलिए जो है हमको होलिस्टिक तरीके से इंटीग्रेटिव मेडिसिन के जरिए जो है वो हैंडल करना। सर आप अपने प्लेटफॉर्म में ये होलिस्टिक सोल्यूशन देने की बात करते हैं तो आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? हमने क्या किया है कि हम साइकाइट्री साइकोथेरेपी काउंसलिंग, एक तो ये हो गया, दूसरा न्यूट्रिशन डाइट, फिर आयुर्वेद नेचुरोपैथ क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं जहाँ पर कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में जो है इलाज दिया गया है, परंतु अभी बहुत ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर जो है ये योगा मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है, इनफैक्ट एक के बाद एक रिसर्च ये आ रही है कि यदि आपको कोई एंग्जाइटी है डिप्रेशन है तो ये जो एक्सरसाइज है ये डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज हैं आपका जो योगा मेडिटेशन माइंडफुलनेस जो है वो सीधे काम करती है और ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं ये जो हमारी एंशंट विजडम से रिलेटेड ये हमारी जो अल्टरनेट थेरेपी है ये जो सिस्टम है ये इतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि दवाइयां हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हमने वो पोर्टल तैयार किया है जिसमें इसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ असेसमेंट है कि आपको यदि लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है 5-7 मिनट स्पेंड करके टेस्ट लेके आप अपनी देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। स्ट्रेस लेवल नापने का जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल देख सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है हम वर्कशॉप्स वेबिनार स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे ताकि अवेयरनेस जो है वो लोगों में ज़्यादा
आ सके। सर तो क्या लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोगों का रिलक्टेंस दिखता है या फिर अब आपको लग रहा है कि लोग थोड़े ओपन होने लगे हैं? नहीं, अब ये जो जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आई जनरेशन, जनरेशन जेड या जो यंग जनरेशन है, अब इसमें इनहिबिशंस नहीं है। बट ये बात ज़रूर है कि ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जो है वो खुल नहीं पाते, तो बट अपने पीयर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ ये डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। नहीं तो आपको अप्रोच कैसे करते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये हमको जो है वो डेली हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं काउंसलिंग की, थेरेपी की, और बाकी जो है वो जो हमारे मेडिसिन सिस्टम है उसके लिए जो है लोग अप्रोच कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं। सर जैसा सर बोल रहे हैं, अगर हम देखें 15 से 30 साल के लोग सबसे ज़्यादा मौतें सुसाइड से गई हैं, अगर आप एक्सीडेंट के बाद देखिए तो जी। कैसे इसको रोकें? आखिर पेरेंट्स जैसे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अनरियलिस्टिक प्रेशर होता है, लेकिन पेरेंट्स भी कैसे समझें कि अब बच्चे इस बात को इस तरह से ले रहे हैं कि वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो सुसाइड कर लेते हैं? जैसा कि अभी सर ने बताया कि कम्युनिकेशन विच इज़ अ मेजर थिंग, कम्युनिकेशन अगर नहीं कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, या हम बच्चों से बार बार पूछ नहीं रहे हैं कि बेटा आपके साथ क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो आप। सर लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आपस में पेरेंट्स बहुत फ्री हैं, बहुत बातचीत करते हैं, फिर भी सडनली एक दिन ऐसा होता है कि All of a sudden ये हो जाता है। yes. कैसे समझना चाहिए कि अब ये स्थिति आ गई? बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो इमोशनल प्रॉब्लम जो चल रही है, बच्चे के इमोशनल चेंजेस जो हैं, वी हैव टू जज फ्रॉम देम। सो एट एवरी पॉइंट वी नीड टू चेक द बिहेवियर एज वेल एज व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइल्ड, और इसका सबसे मेन टूल जो है उसे कम्युनिकेशन करना है। सर आप अपने ऑनलाइन उसमें आप किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा देखते हैं? डॉक्टर साहब ने जो बात की है उसको मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा। ये पेरेंट्स की और टीचर्स की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को जो है उनके साथ ऐसा बिहेव करें, फ्रेंडली बिहेव करें। इनफैक्ट हर स्कूल के अंदर काउंसलर है, बहुत ध्यान से जो है वो बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, किस बच्चे के अंदर क्या जो है वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप के साथ है, मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट हैं लेकिन हर एज ग्रुप ये प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये जो इंस्ट्रूमेंट जो हम बच्चे को थमा देते हैं, जो बच्चा हर चीज़ इसमें देख रहा है, जो कि मतलब उसकी कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी वो चीज़ वहाँ वो चीज़ देख रहा है। कब वो समय होता है जब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब उन्हें किसी परामर्श की ज़रूरत है, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है? बच्चा गुमसुम बैठा है या अकेले में रोने लग, तो इमीडिएटली वन शुड टेक हिम और हर टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। मैं चाहती हूँ आप उनको बताइए कि कितने स्टेप्स होते हैं इसमें और इसके लिए कोई नुकसान नहीं है। किसी प्रोफेशनल के पास जैसे साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। और आजकल की जो न्यू मेडिकेशन जो आ रही हैं, मतलब वो आपको सुलाती नहीं है, जो कि पहले जो मेडिसिन आती थी वो आपको ज़्यादातर सुलाती थी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ना के बराबर होते हैं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? प्री कोविड के अंदर पीपल वर मोर ओपन, बट पोस्ट कोविड के अंदर पीपल हैव बिकम नॉट दैट ओपन, बट उनकी अवेयरनेस के साथ दे आर स्टार्टेड कमिंग टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। बट फिर भी उन लोगों के अंदर डर रहता है कि कोई देख ना ले, तो उसके लिए बेस्ट है ऑनलाइन आ जाए वो, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर ओन हाउसेस, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर ओन प्लेसेस दे कैन टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट एंड टेक द ट्रीटमेंट। सर आपके हिसाब से एक्सेप्टेंस ज़्यादा मुश्किल है या ट्रीटमेंट? एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है उसके ऊपर जो है बच्चों को अननेसेसरी जो है वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। 8 साल 10 साल के बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, इसके लिए वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को हम उनके सेल्फ इस्टीम को बढ़ावा देंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, पहले उनसे हम बातचीत करेंगे तो तेरे को ये लगा तो लग क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, उसकी वजह जानना चाहेंगे। उसकी जब वजह जानेंगे तो उसके बाद हम बच्चे के साथ
उसी हिसाब से हम उसके साथ काम कर पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस शो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरी प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए। तो इस सारी बातचीत का सार ये है कि मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस एक गंभीर समस्या है, बट द सोल्यूशन लाइज इन अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। थैंक यू सो मच।